गीत भी गाएंगे और नाचते हुए संकल्प करते हुए अपने अपने गांव जाएंगे, ठीक है ना? सभी को प्रणाम। मैं तो सुनने आया था, बस बगल में खड़ा था सुनते हुए, और राजन भाई ने देख लिया और इधर निमंत्रित किया। थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गया हूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन जो मन में आया तुरंत वही बोल देता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ 2 मिनट आपके साथ धरती के अंदर जो जल है, भूजल है, उसके बारे में। और मेरे ख्याल से हम सभी लोग उस जल से बहुत ही पास से जुड़े हुए हैं। ये ऐसा जल है जो आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन आज के तारीख में लगभग हर दिन कम से कम 70 करोड़ भारतीय लोग इस जल को उपयोग, इसकी उपयोगिता लेते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आज के तारीख में ये दिखाई दे रहा है कि ये भूजल की भी बहुत किल्लत हो रही है, इसकी शॉर्टेज हो रही है। भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, भूजल का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो मेरे मन में सिर्फ दो ही चीज आपसे बात करनी है कि अगर भूजल सुरक्षा के लिए इस देश में अगर कुछ होना है तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ लोक सहभाग से होगा, क्योंकि सबसे पास जो लोग भूजल, सबसे भूजल के पास जो लोग हैं वो हमारे गांव के लोग हैं। और यदि जो विज्ञान दिल्ली, मुंबई, पुणे, बड़े बड़े शहरों में पढ़ाया जाता है या जिसकी पढ़ाई, जिसका अध्ययन होता है, जब तक वो विज्ञान लोगों तक पहुंचता नहीं और लोग जब तक उस विज्ञान को, भूजल संसाधन को एक सामूहिक संसाधन नहीं मानते, तब तक मेरे ख्याल से भूजल की किल्लत होगी और भूजल के ऊपर पूरक रूप से काम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि इस भूजल के बारे में भी जब आप जल सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो भूजल को भी एक बड़ा स्थान उसके अंदर दे, भूजल के बारे में एक वैज्ञानिक स्तर पे सोचे, क्योंकि भूजल की समस्या मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत जटिल समस्या है। हमारी जो नदियाँ निकलती है, आप लोग सब मानेंगे इसको कि सारी की सारी जो नदियाँ निकलती हैं हमारे देश में, वहाँ दो चीज़ कॉमन आपको मिलती है ऊपर साधारण रूप पे पहाड़ों में। एक आपको शिवजी का मंदिर मिलता है, और शिवजी का मंदिर वहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ झरना निकल रहा है, धरती से पानी फूट रहा है। तो नदियों का जो उगम है वो धरती के पानी से फूटता है, और उसी तरह अगर नदियों को जीवित रखना है तो मेरे ख्याल से भूजल धारक, जिसको हम अंग्रेजी में एक्विफर कहते हैं, और ये भूजल धारकों के बारे में जब तक हमारी सोच आगे नहीं बढ़ती और जब तक विज्ञान के आधार पर, लोक सहभागिता के आधार पर भूजल प्रबंधन नहीं होता, तब तक हमारी पूरी ये जो लड़ाई है वो अधूरी रह जाएगी। तो मेरी जाते जाते आपसे ये प्रार्थना है कि आप भूजल को, हम लोग सब मिलके भूजल को भी इस जल साक्षरता, जल स्वराज, जल जो भी आप, ये हमारी जो प्रक्रिया शुरू है, इसके अंदर एक बड़ा स्थान दे, और उसके साथ इसके प्रबंधन के बारे में हम लोक सहभागिता के आधार पे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु भाई। अब मैं, हमारी एक लड़ाऊ साथी अनु